नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी पौधों और जानवरों का संरक्षण। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान, वन जीवन अभयारण्य और जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र बनाने का क्या उद्देश्य है। फिर पढ़ेंगे वनोन्मूलन क्या है, क्या इसके परिणाम हैं। फिर पढ़ेंगे वन और वन जीवन संरक्षण। फिर पढ़ेंगे वनस्पति और जीव। फिर विशेष क्षेत्र की प्रजातियां, प्रवास, कागज का पुनर्चक्रण और अंत में पढ़ेंगे पुनर्वनारोपण। तो आइए पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य और जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र बनाने का क्या उद्देश्य है। पृथ्वी पर कई प्रकार के पौधे और जानवर मौजूद हैं। ये मानव जाति के कल्याण और जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। तो इसलिए इनके संरक्षण के लिए हमें उद्यान, अभयारण्य और जैव मंडल संरक्षण आदि क्षेत्र बनाने पड़ते हैं। तो पढ़ते हैं वनोन्मूलन क्या है। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा वनों की कटाई है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे आसपास रोज वृक्ष काटे जा रहे हैं, जिससे इनके जीवन पर खतरा हो गया है। इनके रहने और खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो यह एक खतरा है हमारे लिए और इनके लिए भी। तो इस खतरे को हम वनोन्मूलन के नाम से जानते हैं। इसका अर्थ है कि वनों को साफ करना और उस भूमि को किसी अन्य काम या प्रयोजन के लिए उपयोग करना, जैसे कि खेती के लिए या कारखानों और घरों के लिए। अब पढ़ते हैं वनोन्मूलन का परिणाम। वनोन्मूलन के बहुत ही खतरनाक परिणाम हमें देखने को मिले हैं। बीते कुछ सालों में हमें देखने को मिला है कि हमारी धरती का तापमान दिन पर दिन, साल पर साल बढ़ता जा रहा है। दूसरा, प्रदूषण का स्तर भी बहुत बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आप देखते हैं, आपके आसपास बहुत प्रदूषण है, कोहरा है, तो यह भी वनोन्मूलन के कारण ही हो रहा है। फिर भूजल स्तर में भी भारी गिरावट आई है। आसपास पानी की बहुत कमी है। कुछ लोगों को तो शुद्ध पीने का पानी भी नहीं मिलता, तो यह भी वनोन्मूलन के कारण ही हो रहा है। तो देखिए कितने बुरे परिणाम हैं वनोन्मूलन के। तो अब आगे पढ़ते हैं वन और वन्य जीवन संरक्षण। हमारे वनस्पतियों और जीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए संरक्षित क्षेत्र या अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान आदि जैव मंडल भंडारों को निर्धारित किया गया है। इन भंडारों में वृक्षारोपण, खेती, पशु चराई, शिकार, अवैध शिकार मान्य नहीं है। ऐसा कुछ करने पे या पाए जाने पे भारी जुर्माना या जेल हो सकती है। तो इन्हें बनाने का यही उद्देश्य है कि हमारे आसपास की वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करना, ताकि हमारे धरती को या जहाँ हम रहते हैं वह खुश रहे, साफ सुथरी रहे, लोग खुश रहें। तो अब पढ़ते हैं फ्लोरा एंड फौना, यानी वनस्पति और जीव। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं को वनस्पति एवं जीव कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तितली या कोई फूल या कोई पक्षी जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं, उन्हें हम वनस्पति या जीव कहते हैं। विशेष क्षेत्र की प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से किसी एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। विशेष क्षेत्र
प्रजातियां कही जाती हैं, जैसे कि साल और जंगली आम पंचमढ़ी जैव मंडल नीचे के विशेष क्षेत्र वनस्पतियों के दो उदाहरण हैं। साल और जंगली आम सिर्फ पंचमढ़ी जैव मंडल नीचे में ही पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये साल का पेड़ है और दूसरा आम जंगली आम का पेड़ है। अब हम पढ़ते हैं प्रवास यानी माइग्रेशन। प्रवास पक्षी जलवायु परिवर्तन के कारण एक विशेष समय के दौरान हर साल दूर के क्षेत्रों में उड़ते हैं, इसे प्रवास कहते हैं। यानी जब भी कभी जलवायु में परिवर्तन होता है तो किसी विशेष समय के दौरान कुछ पक्षी अपनी जगह से स्थानांतरण करके दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसे हम प्रवास कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पक्षियां अपनी जगह को छोड़ के किसी दूसरी जगह जा रही हैं, अच्छे जलवायु की खोज में, अच्छे खाने पीने की खोज में, तो यह प्रवास है। तो अब हम पढ़ते हैं कागज का पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। आज हमारे जीवन में कागज का पुनर्चक्रण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि कागज की बढ़ती मांग को देखकर वनों की कटाई भी बढ़ती जा रही है, तो इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि कागज का पुनर्चक्रण किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि एक टन कागज बनाने के लिए 17 पूर्ण बड़े पेड़ लग जाते हैं, यानी कि अगर हमें एक टन कागज चाहिए तो हमें 17 पूरे बड़े पेड़ों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी जाके इतना कागज हमें मिल पाएगा। तो अगर इतना कागज के लिए इतने पेड़ों की बलिदान देना पड़ रहा है, तो यह हमारे आसपास के वातावरण के लिए अच्छा नहीं है। तो यह जानना जरूरी है कि हम कागज का पुनर्चक्रण कर सकें, इसलिए हमें कागज को बचाना चाहिए या उसका कम उपयोग करना चाहिए। कागज का उपयोग करने के लिए 5 से 7 बार पुनर्नवीकरण किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं पुनर्वन रोपण यानी रिफॉरेस्टेशन। नए पेड़ लगाकर नष्ट किए गए वनों को पुनः भंडारण किया जा रहा है, तो इसे हम पुनर्वन रोपण कहते हैं। इसमें हम जहाँ जहाँ पेड़ों की कटाई की गई है वहाँ पे नए पेड़ लगाते हैं, जो हमें हमारे वातावरण में शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, और जो भी हमने पेड़ काटने के नतीजे देखे उनसे बचाते हैं, जैसे कि तापमान बढ़ना या फिर पानी की कमी। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो ये सब नहीं होगा, और वनीकरण स्वाभाविक रूप से भी हो जाता है, इसमें किसी मानव का हाथ होना ज़रूरी नहीं है, यह स्वयं हमारे आसपास का वातावरण कर लेता है। पर इसे करने की मात्रा कम होती है, तो हमें भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना चाहिए, नए पेड़ लगाने चाहिए, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत से नए पेड़ लगाए गए हैं। तो आज का सारांश है, आज वन जीवन में रहने वाले जीवों के अस्तित्व के लिए वनों की कटाई एक खतरा बन गई है, जिसे वनोन्मूलन के नाम से जाना जाता है। हमारे वनस्पतियों और जीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए संरक्षित क्षेत्रों को अभयारण्यों और जैव मंडल भंडारों को निर्धारित किया गया है। प्रवासी पक्षी जलवायु परिवर्तन के कारण एक विशेष समय के दौरान
हर साल दूर के क्षेत्रों में उड़ जाते हैं, इसे प्रवास कहते हैं। नए पेड़ लगाकर नष्ट किए गए वनों का पुनः भंडारण किया जा रहा है, जिसे हम पुनर्वनीकरण कहते हैं। धन्यवाद।